आप ऐसा बात ना करिए कि लोगों में उत्तेजना एक ऐसा भाव आए कि फिर आगे बड़ी मुश्किल हो जाए। गुंडा और माफिया बता रहे थे उनको, तब कोई भी जरे हुए पर नमक छिड़केगा तो भाई बुरा लगेगा ना। एक माफिया के पास इतनी हुजूम नहीं जाती है। 43 मुकदमा किसी पे, 108 मुकदमा है और सारे लोग बाहर घूम रहे हैं। मुख्तार अंसारी शहीद मुख्तार अंसारी है। ये बताए उनके बड़े बेटे अब्बास अंसारी को आने नहीं दिए प्रशासन के जनाजे की नमाज में, उनको क्यों नहीं शिरकत करने दिए? राम रहीम जैसे लोगों को छूट मिल रहा है, उनको एक एक महीने का पेरोल मिल रहा है, एक अंतिम संस्कार में भी जगह नहीं मिला है। मतलब एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। इस समय हम अहमदाबाद के फाटक के पास हैं। फाटक यानी मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी, सिबकतुल्ला अंसारी, अंसारी परिवार का घर गाज़ीपुर में मुकदम अहमदाबाद कस्बे में सालों से बरसों से वो रहते आए हैं। और मुख्तार अंसारी आज इस दिन हम भाई बात कर रहे हैं 30 मार्च को, आज मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया जाना है। 28 मार्च के दिन बांदा मेडिकल कॉलेज ले जाते वक्त मुख्तार अंसारी का इंतकाल हुआ और उसके बाद लगातार इस मोहल्ले में खासकर उनके समर्थकों का हुजूम उमड़ता रहा है। कल भी मैं और मेरे साथी प्रशांत यहाँ पे थे तो कई लोगों से बातचीत हुई। आज भी इस कोशिश के साथ हम आए तो एक सूचना मिली आते आते और कुछ देखने को भी मिला। वो कुछ यूँ था कि कई सारे मीडियाकर्मी फाटक के पास खड़े होकर ही बातचीत कर रहे थे कई सारे लोगों से, स्थानीय लोगों से, और जहाँ लोगों के इल्ज़ाम हैं कि उन्होंने मुख्तार अंसारी के ख़िलाफ़ और अंसारी परिवार के लोगों के ख़िलाफ़ कुछ न कुछ बातें की, जिसके बाद से यहाँ पे माहौल बिगड़ा और यहाँ के लोगों ने मीडिया कर्मियों को, मतलब प्रशांत जो हमारे साथ वीडियो जर्नलिस्ट है उनके पीछे लगभग 50 मीटर की दूरी पे बैरिकेडिंग है, वहाँ तक उनको पुश कर दिया और वहाँ पर जाकर बातचीत मीडिया कर्मियों का दायरा तय हो गया। बहरहाल मीडिया कर्मियों से हम यहाँ पे स्थानीय लोगों से मिलने आए हैं, समझने आए हैं कि हुआ क्या था और आगे अंदरूनी जानकारियाँ क्या हैं, अंदर क्या हो रहा है और आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या हो सकता है यहाँ पे। क्या नाम है भाई आपका? जी मेरा नाम रियाज अहमद खान है। रियाज घर के बुलाऊँ आपको? जी जी ठीक है। रियाज अभी मुझे ये बताइए कि यहाँ पर कुछ देर पहले आप में से कोई भी बात करे, कुछ देर पहले मीडिया को लेकर एक छोटा झगड़ा टाइप का, पुश बैक या जो भी कह लीजिए उसको अपनी भाषा में, कुछ हुआ था, हुआ क्या था कुछ बताइए थोड़ा तफसील से। मीडिया एक तरफा दम बोल रही थी जी, उनको माफिया तरह अंतरगल बातें, उनकी बारे में विचारधारा अनरगल बातें जो बोल रही थी मीडिया, कुछ मीडिया नहीं एक तरफ जो मीडिया जो है जो उनके बारे में बोल रही थी उसको लेकर जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके बारे में बोले कि नहीं ऐसा आप बात मत बोलिए, और उनको बोले कि प्लीज़ कृपया करके जो अभी माहौल जो शांत है आप ऐसा बात ना करिए कि लोगों में उत्तेजना एक ऐसा भाव आए कि फिर आगे बड़ी मुश्किल हो जाए। और जैसे आप जैसे स्वतंत्र पत्रकार हैं उनके कोई बात नहीं है, हम लोग बात कर रहे हैं, सारे लोग बात कर रहे हैं, आप जैसे पत्रकार लल्लन टॉप जैसे पत्रकार की बात करने में कोई हिचक नहीं, सारे लोग हैं, आप स्वतंत्र पत्रकारिता करिए कोई बात नहीं। उनको माफिया, रॉबिन हुड और सारे गुंडा, सारे बहुत सारे लकब से नवाजा जा रहा था। हम बोल रहे हैं कि वो गरीबों के मसीहा थे और कोई भी गरीब उनके पास आता था, कोई शादी है, ब्याह है, किसी के पास जो बीमार है और सारे लोग बहुत कारणों के वजह से उनके पास जो आते थे वो नहीं, वह जाति ना देखते थे, वो ना धर्म देखते थे, वो उनकी सिर्फ होती थी मानवता, एक इंसानियत क्या चीज़ है और वो आदमी मेरे पास किस लिए आया है वो मानवता सिर्फ देखी जाती थी, और वो मानवता कोई किसी धर्म का हो यहाँ पर निभाया जाता था और ये वर्षों से निभाया जा रहा है, आज से नहीं, दादा ब्रिगेडियर उस्मान हंसा हाँ उनसे उनके ज़माने से यहाँ पर नौशेरा का शेर कहा जाता जी, जी, जी। तो उनको उनके दादे के ज़माने से यहाँ पर मानवता निभाया जाता है। स्थिति है घर में मुख्तार अंसारी, एक सेकंड मैं बता दूं, मुख्तार अंसारी की डेड बॉडी बांदा से उनके बेटे उमर अंसारी रात को लगभग 1:15 बजे के आसपास लेकर आए और उसके बाद वहां पे घर में एम्बुलेंस की, पुलिस की निगरानी में पूरी एम्बुलेंस की एंट्री हुई, बॉडी को एक उसमें शीशे के ग्लास में रखा गया है उनके। अभी क्या माहौल है घर के अंदर? घर के माहौल बहुत शांतिपूर्वक है, हम तो दुआ करते हैं, सारे प्रशासन का दुआ कर रहा है कि सांसद जी उनके परिवार को सब्र अता जमील अता फरमाए, और इतने चहीते लोग, इतने चहीते जो गरीबों में थे
और सांसद जी खुद दो दिन से अलील बीमार चल रहे थे, वो पार्थिव शरीर आया, अंसारी सांसद जी अफजाल अंसारी जी, और पार्थिव शरीर आया वहाँ पर देखे, अपने भाई के पास थे और बैठे हुए हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, बस यही कहना है। अभी चेहरा वही दिखा रहे हैं। अच्छा, कोई जा रहा है तो उसको चेहरा दिखा रहा है, मतलब समझाइए कैसे हो रहा है अंदर, क्योंकि हम लोग जा नहीं पा रहे हैं ना, इसलिए आप लोग के जरिए समझ पाएंगे कुछ चीज़ें। पार्थिव शरीर है, उनके प्रशासकों के हुजूम है, कोई मऊ बनारस लखनऊ ऑल इंडिया ओवर से लोग आ रहे हैं, सिवान से भी कोलकाता से भी, मैं खुद बता दे रहा हूँ कि उनके चाहने वाले मुंबई से लेके कर्नाटक से लेके बंगलोर से लेके सारे भारत वर्ष की एक खित्ता कोना कोना ऐसा नहीं है कि जो उनके प्रशासक यहाँ पर ना आया हो। अगर वो पॉपुलर इतने, अगर वो गरीबों के मसीहा नहीं रहते तो सारे भारत के कोने कोने से लोग नहीं आ रहे। और मैं ये बता दे रहा हूँ, सांसद जी दम स्वयं, उन पर कोई फेक नहीं, वो स्वच्छ बैठे हैं, अपने भाई की खुद जनाजा के पास के बैठे हुए हैं, और उनकी जो है जो लोग आ रहे हैं उनके चाहने वाले रहे हैं, उनके चेहरा दिखा रहे हैं सांसद। 10 बजे के आसपास समय मुकर्रर हुआ है, अगर हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं 9:25 के आसपास, अरे सर 9:25 के आसपास हम वीडियो शूट कर रहे हैं, 10 बजे का समय मुकर्रर हुआ है जनाजा निकालने के लिए और सुपुर्दे खाक करने के लिए। जिस सड़क पे हम खड़े हैं, इस सड़क के पीछे वो फाटक है, इस सड़क से होता हुआ जनाजा जाएगा, यहाँ से दाहिने मुड़ेगा, और दाहिने मुड़ने के बाद मुश्किल से 200 मीटर दूर वो कब्रिस्तान है जहाँ पर मुख्तार अंसारी को दफनाया जाएगा। वो कब्रिस्तान आम कब्रिस्तान नहीं है, मुख्तार अंसारी वो कब्रिस्तान आम कब्रिस्तान नहीं है, मुख्तार अंसारी के परिवार का, अंसारी परिवार का कब्रिस्तान है, जहां उन्हें उनके पिता और उनके माता की कब्र के सामने थोड़ा सा नीचे की ओर लिटाया जाएगा। ये बातें हमने एक अलग वीडियो में बताई हैं। आप कुछ बता रहे थे सर, मैंने आपको टोका था क्योंकि वो बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे आप, क्या नाम है आपका? आसिफ। बोलना क्या सर, वो मीडिया भाई लोग वो बोल रहे थे कि गुंडा और माफिया बता रहे थे उनको, तब तो कोई भी जरे हुए पर नमक छिड़केगा तो भाई बुरा लगेगा ना, है? अब उन लोगों ऐसे ऐसे बात कर रहे थे तो अब हम यही किया गया कि आप लोग चले जाइए यहाँ से, शांति हम लोग का बनाए रखिए, बनाए रहने दीजिए, और उल्टा सीधा वो लोग बात। अब गुंडा माफिया होते वो, अगर वो गुंडा माफिया भी होते तो आज से 20 बरस से जेल में नहीं रहते, आज 20-25 बरस से रह रहे हैं जेल में ना, रहे भी सजा भी हुई उनको। अगर वो गुंडा माफिया होते तो वो भी बेल करा के कई दलित मोदी नरेंद्र मोदी जैसे बीजे मालिया भागा, दलित मोदी भागा, वैसे भी वो भी निकल गए होते विदेश में, ललित मोदी, हाँ वो भी निकल गए होते, लेकिन वो पड़े रहे, वो नहीं गुंडा थे, उन पे अछरंग लगाया गया, उल्टा सीधा सवाल जवाब उल्टा सीधा उन पे किया गया। हाँ सर, मेरा नाम अजमल सिद्दीकी, थोड़ा सा अजमल सिद्दीकी जी सर, मेरा यहीं पखनपुरा गांव है 8 किलोमीटर दूर ही पे। सर अगर वैसा कुछ मामला होता तो आज ये जो आप, हमें लग रहा है कि कल से ही आप यहाँ पे मौजूद हैं, और सर आपने हुजूम देखा होगा, एक माफिया के पास इतनी हुजूम नहीं जाती है, समझ रहे हैं? हम तो कहेंगे, आप लोग भी हमारे साथ बताइएगा कि मैं कहाँ से गलत बोल रहा हूँ। मुख्तार अंसारी शहीद मुख्तार अंसारी हैं, उनके साथ जो छल हुआ है, उनके साथ जो हो रहा था, बांदा जेल से पहले किस जेल में गए थे, वहाँ पे भी उनको तकलीफ हो रही थी, उनको जहर दिया गया, रोपड़ जेल में थे पहले, बोले थे कि हमें जहर दिया जा रहा है, इस बार भी बोले 3-4 दिन पहले बोले कि मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, लेकिन सरकार की क्या मंशा है, सरकार क्या चाहती है कि उनकी बातों पे कोई तवज्जो ही नहीं दिया। बहुत सारे, सुनिए सर मैं बता दूं आपको कि बहुत सारे गुंडा माफिया घूम रहे हैं, लेकिन उनको मतलब ऐसे लग रहा है कि कुछ वो है ही नहीं, उनको कुछ तकलीफ ही नहीं है। हमारे मुखिया वो मुख्तार अंसारी हमारे लिए मसीहा थे, और ये बता दूं सर हमारे लिए मसीहा थे, वो शहीद है, शहीद मुख्तार अंसारी, शहीद मुख्तार अंसारी, चाहे दुनिया कुछ कहे। भाई आता हूँ प्लीज, अब देखिए मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपसे साफ़ करूँगा, ठीक है, थोड़ा सा पीछे तो हम मुझे जगह दीजिए, कुछ चीज़ें साफ़ करूँगा, वो जगह चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि मीडिया वाले जो कह रहे हैं, मैं भी मीडिया से आता हूँ और मुझे इस बात को मानने में कोई गुरेज नहीं है, मैं इस बात को इनकार भी नहीं करता हूँ कि मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो लगातार सरकार के सामने नतमस्तक कर देता है, और ये आज से नहीं है, ये पिछले दस सालों में भी नहीं है, ये आज़ादी के समय से है कि मीडिया का एक हिस्सा लगातार सरकार के सामने झुकता है, सरकार की भाषा बोलता रहा है,
कांग्रेस की सरकार रही तब भी, बीजेपी की सरकार रही तब भी, किसी की भी सरकार रही हो, ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन मीडिया वालों के पास अपने भी तर्क है ना, क्योंकि मुख्तार अंसारी को इतने सारे मुकदमों में जब सजा होती है वो लोग देखते हैं, टीवी पे चलता है, तो इस तरह की चीज़ें लोग देखते हैं तो उनके अपने सवाल उठाते हैं। अब अंकल क्या नाम है आपका, आप अपनी बात बताइए, मैं अपनी बात साफ करना चाहती हूँ। चुप रहो यार, कोई नहीं सही है। अंसारी जो है गरीबों का मसीहा, उनके पूरे परिवार गरीबों का मसीहा है। कोई भी इंसान चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, उनके फाटक में ज़्यादातर मजबूरी सुनाते थे, वो लोग बेटी बहन की शादी कराते थे, सब कुछ करते थे। अब मुख्तार अंसारी कोई अपराधी नहीं था, हाँ सुनिए, कोई मुख्तार अंसारी अपराधी नहीं था, इसको जबरी जेल में रखा गया, आज से नहीं 20-25 साल से जेल में। सारे इल्ज़ाम जब लगते हैं उन पे, क्यों लगते हैं ये इल्ज़ाम, लगाने वाले कौन है, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद तौकीर आलम है। तौकीर बताइए। जी सर हम बता देते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक द्वेष के कारण जो है मुख्तार अंसारी जी को फंसाया जा रहा है और मुसलमान होने का सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं। अगर वैसे देखा जाए तो हिंदुस्तान नहीं बल्कि जहाँ भी देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान भर में अनेकों माफियाएँ हैं, अनेकों धाराएँ उनके ऊपर मुकदमे हैं, लेकिन सर और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होने का नतीजा इनको भुगतना पड़ रहा है। और दूसरी बात ये है सर कि अगर इन्होंने अगर कोई ऐसी काम किया होता तो इतनी क्राउड जो दिख रहा है ये सिर्फ मुस्लिम ही नहीं है सर, मेरी बात सुने, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम हर तबके के लोग यहाँ पे शामिल है, ये बात का गवाही देता हुआ सबूत है कि मुसलमान मुसलमान नहीं सिर्फ और सिर्फ एक इंसानियत के नाते यहाँ पर क्राउड इकट्ठी हुई है और सारे मुसलमान हिंदू सब लोग एक साथ श्रद्धांजलि देने के लिए। जी अजय कुमार वर्मा, ये हमारे ये कहना का मतलब है कि योगी सरकार से निवेदन है कि सबके ऊपर समान रूप से कानून लागू हो, हिंदू मुसलमान न किया जाए। अच्छा। ब्रजेश सिंह हैं, विनीत सिंह हैं, सुशील सिंह हैं, ब्रजेश सिंह जो पूर्व एमएलसी और सुशील सिंह जो उधर विधायक हैं सैयद राजा से, श्रीकांत पे मुख्तार ऊपर हमला हुआ, उनकी गवाही हुई और उनकी गवाही होनी बाकी थी, उसी बीच इनका इंतकाल हो गया और ब्रजेश सिंह भी उसमें उस श्रीकांत में थे, तो उनको भी उनके खिलाफ भी मतलब ये सब होना चाहिए। सर कहना ये है कि जो भी अपराधी है सारे के ऊपर एक न्याय जो है बराबर होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे किसी तबके के हो किसी वर्ग का हो, अपराधी अपराधी होता है और मुसलमान मुसलमान से मतलब नहीं है, जो भी अपराधी है उसके ऊपर बराबर का कार्रवाई हो, हमारा यही आग्रह है यूपी सरकार से और केंद्र सरकार से। लेकिन मामला यहाँ ये है कि सिर्फ और सिर्फ निशाने बनाए जा रहे हैं मुसलमान होने का, मुख्तार अंसारी आज के डेट में मसीहा थे सर, मसीहा है, समानतावादी ताकतों से लड़ते हुए इन्होंने इन्होंने जो लड़ाई लड़ी इसीलिए द्वेष के कारण इनको जेल में रखा गया और वो गरीब जेल में रखा गया, आप ये कह रहे हैं समानतावादी ताकतों के खिलाफ। अच्छा। इन्होंने लड़ाई लड़ी इसी देश के कारण और उन्होंने जनता के दिलों में जगह बनाई। आपकी बात सही है, आपकी बात सही होगी, अपनी जगह आपके आपके अपने आपका अपना सोचना होगा, लेकिन ना इस बात पे मैं बार बार जोर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप एक बात समझिए, इस बात को समझिए आप लोग भी कि एक तबका है जो बोलता है ना कि मुख्तार अंसारी गरीबों के मसीहा हैं, मुख्तार अंसारी हमारा साथ देते हैं, हमारे साथ सबके साथ खड़े रहते हैं। कल मुझे कुछ लोग बता रहे थे कि किसी घर में शादी थी तो उन्होंने शादी करवाई, किसी घर में किसी को भर्ती होना था तो भर्ती करवाया, लेकिन वो लोग भी इसी समाज का हिस्सा हैं जो ये बात बोले हैं, और लेकिन वो लोग भी इसी समाज का हिस्सा हैं जो बोलते हैं कि मुख्तार अंसारी को अपराधी बोलते हैं, यार मुख्तार अंसारी के केसों का जिक्र करते हैं, मुख्तार अंसारी पर लगे मुकदमे उन पर लगे इल्ज़ामों का जिक्र करते हैं, ठीक है, वो लोग भी इसी समाज का हिस्सा हैं, है ना, वो लोग हमारे बीच से हैं, वो इसी सिस्टम का हिस्सा हैं, वो भी वोट देते हैं, आप लोग भी वोट देते हैं, ठीक है, तो हम समझदारी के तौर पर मैं मोहम्मदाबाद में खड़े होकर लल्लन टॉप के माइक पर बेहद जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ, मुझे नहीं नहीं मैं आपकी बात समझ रहा हूँ तो उनकी बात भी समझनी होगी मुझे, है ना, जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं और जो लोग इल्ज़ाम को नकार रहे हैं, मीडिया के लिए काम तो दोनों को सुनना है, दोनों को समझना है ना, मैं नकार नहीं सकता हूँ उस बात को जी। तो ये बातें होंगी और इससे आप लोगों को खासकर होस्टाइल होने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक छोटी सी नसीहत देना चाह रहा हूँ, इससे आप लोगों को होस्टाइल होने की ज़रूरत नहीं है, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मीडिया का काम थोड़ा सा सवाल पूछना है, प्रोब करना है, कई कई बार मीडिया के कई सारे पत्रकार अपनी हद से आगे निकल जाते हैं, ये मैं इससे भी मानता हूँ, ठीक है, लेकिन अपना संयम बरतना ज़रूरी है, आपको ही नहीं कह रहा हूँ सबको कह रहा हूँ, जो खुशी में हैं इस समय, कई सारे लोग खुशियों में हैं, आप लोग देख चुके हैं वीडियो और वीडियो खबर देख चुके हैं, कई सारे लोग गम में भी हैं, सबको अपना संयम खोने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ क्या नाम है? शौकत अली। ये बताइए उनके बड़े बेटे अब्बास अंसारी को आने नहीं दिए प्रशासन के? हाँ। जी जनाजे की नमाज में उनको क्यों नहीं शिरकत करने दिए?
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई उनकी। सर सुनवाई करना चाहिए ना, सबसे बड़े चीज उनके बड़े बेटे इनके पिता थे, कम से कम जनाजे की नमाज मिट्टी में तो शामिल करना चाहिए इनको ना। प्रशासन क्या कर रही है, उनको कम से कम लेके आना चाहिए किसी भी तरह, उसके बाद तो मिलेगा नहीं दोबारा। बिरजा सिंह छूट गए, आखिर इसमें प्रशासन की कमी है, गवर्नमेंट की कमी। राम रहीम जैसे लोगों को छूट मिल रहा है, उनको एक एक महीने का पेरोल मिल रहा है, एक अंतिम संस्कार में भी जगह नहीं मिला है, मतलब एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। अब आप सुनिए, हमें बहुत दुख है इस बात को, हम लोग अच्छे से समझ रहे हैं, टारगेट किया जा रहा है, समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। और साथ में आप लोग ये भी बोल रहे हैं कि मुख्तार अंसारी एक टारगेट के नेता नहीं थे, एक समुदाय के नेता नहीं थे, वो कई समुदाय के नेता थे। इसको समझाइए ना, जब आप कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी एक समुदाय के नेता नहीं थे, तब एक समुदाय को टारगेट कैसे किया जा रहा है? ऐसा भेदभाव क्यों किया सरकार की तरफ से, ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है? नहीं करना चाहिए ना, भेदभाव किया जा। ठीक है, ठीक है, सुना कहा आपने, आपकी बात सुन ली। ठीक है, अब मैं इस बातचीत को यहाँ रोक रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे जनाजे की नमाज हो रही है। अभी पुलिस को भी ये कॉरिडोर इस कॉरिडोर को साफ करवाना है, अब निकलना होगा। बाकी तमाम चीज़ें हम कवरेज जारी रखेंगे, लल्लन टॉप पे बने रहेंगे, आप भी बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।